Hello everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are well and your examinations preparation must be going well also. So in this video we will gonna discuss about the introduction of fungi, okay, a elaboration of introduction of fungi. तो मैं इस वीडियो में आप लोग को बहुत ही elaborate करके बताऊंगी कि fungi का introduction. उसके बाद से फिर हम लोग इस वीडियो के बाद से Alexopoulos वाला जो classification है fungi का वो पढ़ेंगे. उसके बाद से फिर जो भी एल्ब्यूगो, पेजाइदा, यूरोटियम ये सब है वो सब कुछ मैं आपका कवर कर दूंगी, ठीक है. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इस वीडियो में मैं आपको वही नोट्स बता रही हूँ जो डीडीयू के साइट पर प्रोफेसर दीपा श्रीवास्तव, सी इज़ अ वेरी ब्रिलियंट टीचर और प्रोफेसर एंड रियली सी इज़ वेरी अमेजिंग, ओके. सो उन्होंने ही ये पूरा का पूरा पीडीएफ तैयार किया हुआ है. तो मैं बस यही बोलूँगी कि अगर थैंक यू बोलना होगा तो आप थैंक यू दीपा मैम ही लिख देना, बिकॉज कि ये उन्हीं का है पूरा का पूरा पीडीएफ. मैं यहाँ पर बस आप लोग को बता रही हूँ कि आप लोग को हेल्प हो जाए, क्योंकि मैम ने अपलोड कर दिया है एंड आई थिंक कि मैम ने पढ़ाया भी होगा, बट कितने लोगों ने क्लास अटेंड की है, कितने लोगों ने नहीं की है, तो जिन लोगों ने नहीं की है वो यहाँ पर आकर के अच्छे से समझ सकते हैं. एंड या ये बस एक ही यूनिवर्सिटी के लिए नहीं हेल्पफुल होगी, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए हेल्पफुल हो जाएगी अगर मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ तो, ठीक है. तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखनी है और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं किसी ना किसी वे से आप लोगों की हेल्प किसी ना किसी वे से ज़रूर करती रहूँगी, ओके. तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो. एंड या आई आल्सो वांट टू टेल यू कि प्लीज अगर आप लोगों ने अभी तक सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप लोग पहले सिलेबस वाली वीडियो देख लो, बिकॉज अगर सिलेबस में कंफ्यूज रहोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा. तो मैं आप लोग को बता देती हूँ यहाँ पर कि ये है पेपर वन का एक मेजर पार्ट, ठीक है, बॉटनी के पेपर वन का एक मेजर पार्ट दैट इज फंजाई. और हम लोग पेपर वन में पढ़ते हैं बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई, ठीक है. तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं फंजाई का इंट्रोडक्शन, उसके बाद से फिर आगे और भी फंजाई की वीडियोस प्रोसीड करती जाएंगी, ठीक है. तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. नाउ ज्यादा बकबक नहीं करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं एंड प्लीज थैंक्स लिख देना दीपा मैम को कि उन्होंने इतनी अच्छी पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कराई है, ठीक है. नाउ इस पूरे वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैम ने इस पूरे पीडीएफ में क्या दिया है तो ये देख लेते हैं. तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंजाई का इंट्रोडक्शन, फंजाई का हैबिट एंड हैबिटेट, फंजाई के स्ट्रक्चर, फंजाई का रिप्रोडक्शन, फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फंजाई के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, ठीक है. लाइक आपको यहाँ से मैं बता दे रही हूँ कि आपके पेपर में हैबिट एंड हैबिटेट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो है ना मीन्स ये आप लोगों के पेपर में मतलब रिपीटेड है, ठीक है. तो आप लोग अगर ये अच्छे से समझ लेते हो ना ये तीन, तो आप लोग बहुत अच्छे से पेपर मतलब फंजाई वाले चीज पे आपका एक क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, ठीक है. उसके बाद तो फिर एल्ब्यूगो पे जायजा ये सब है तो वो तो बाद में आपको देखना ही पड़ेगा, बट ये इनमें से अगर इस पूरे वीडियो से मैं आपको बताऊं तो आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हैबिट एंड हैबिटेट, ठीक है. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे प्लीज आप लोग लास्ट तक वीडियो देखना और लंबी भी हो जाती है तो मैनेज कर लेना, बिकॉज क्या करना है यार पढ़ना ही तो है ना. तो एक घंटे की भी अगर हो जाती है तो देख लेना, बट मैं एक घंटे की नहीं करूँगी वीडियो, ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो. तो फंजाई के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखना है फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है. फंजाई कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. अब आपको पता होगा कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है. प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियाई होती है वो डेफिनेट नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोटिक में हम लोग को डेफिनेट क्लियर एक पूरा डिफाइंड मीन्स आप कह सकते हो डेफिनेट भी कह सकते हो डिफाइंड भी कह सकते हो, तो डिफाइंड न्यूक्लियाई मिलती है. और प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल नहीं मिलते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में हम लोग को मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल मिलते हैं, ठीक है. तो बिकॉज कि फंजाई में हम लोग को दो कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, डेट इज जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल होती हैं और जो उनमें क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियाई होती है, इसीलिए फंजाई को हम लोग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं. सेकेंड पॉइंट इज कि हिस्टोरिकली फंजाई वॉज इंक्लूडेड इन द प्लांट किंगडम, ठीक है. हिस्टोरिकली अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले फंजाई को प्लांट किंगडम में ही रखा गया था, बट उसके बाद हाउएवर बिकॉज फंजाई लैक क्लोरोफिल, फंजाई में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और प्लांट किंगडम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और फंजाई में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है
and are distinguished by unique structure and physiological feature, और because की fungi में unique structural and physiological feature पाए जाते हैं. अब फिजियोलॉजिकल फीचर और यूनिक कैरेक्टर का क्या मतलब है कि उनके जो सेल वॉल के कंपोनेंट होंगे, सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट होंगे, वो प्लांट के कंपोनेंट से क्या होंगे, अलग होंगे. ठीक है, तो इसीलिए बिकॉज कि उनमें क्लोरोफिल का एब्सेंस है, क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है, ऊपर से यूनिक स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल फीचर्स पाए जा रहे हैं. ठीक है, इसके वजह से ऐसा सोचा गया कि चलो भाई जब इतना सारा डिफरेंस है तो तुम क्या हो, फंजाई, तुम अलग घर में रहो, तुमको प्लांट किंगडम में रहने की जरूरत नहीं है. ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट इज, इन एडिशन फंजाई आर क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग एनिमल्स बाय देयर प्रिंसिपल मोड ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ एंड न्यूट्रिएंट इनटेक. फंजाई इतना यूनिक हो जाता है अपने मोड ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ और न्यूट्रिशन इनटेक के वजह से कि इन्हें हम आसानी से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं. मतलब कि जैसे एक होता है ना कि हर एक ऑर्गेनिज्म की एक खासियत होती है, ठीक है, वैसे ही फंजाई के अंदर भी इतनी ज़्यादा एक अच्छी अच्छी खासियत है, एक नहीं मतलब काफ़ी सारी अच्छी खासियत है, लाइक मोड ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ जो उनकी है वो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या होती है, डिफरेंट होती है. जो उनका न्यूट्रिशन इनटेक मतलब वो कैसे खाना लेते हैं, ये भी और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या होती है, अलग होती है. तो इस वजह से फिर से ये क्या करता है, एक यूनिक कैरेक्टर शो करता है और फिर इसे एक मौका मिल जाता है कि ये प्लांट किंगडम से हट करके दूसरे किंग मतलब अपना एक घर बना ले. ठीक है, फंजाई ग्रो फ्रॉम द टिप ऑफ द फिलामेंट हाइफी दैट मेक अप द बॉडीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म माइसीलिया. तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो फंजाई होता है वो ग्रो करता है फिलामेंट के टिप से और उस फिलामेंट को हम लोग हाइफी कहते हैं. क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं, और ग्रुप ऑफ हाइफी को हम लोग माइसीलिया कहते हैं, दैट इज माइसीलियम. ठीक है, देन डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मैटर एक्सटर्नली बिफोर एब्जॉर्बिंग इट इन टू द माइसीलिया. तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि फंजाई ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करती है, उसके बाद से जा करके माइसीलिया में उस जो भी फूड मटेरियल होगा, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा, उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा. लाइक पहले डाइजेस्ट जो डाइजेशन होगा वो एक्सटर्नली होगा, उसके बाद से फिर माइसीलिया में जा करके उसका एब्जॉर्प्शन होगा. ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, दिस इज ऑल फंजाई. तो कितना अच्छा इमेज है यहाँ पर आप देख सकते हो. नाउ कैरेक्टरिस्टिक अगर फीचर देखें हम लोग फंजाई का, तो हम लोग ये देखेंगे कि जो फंजाई होता है वो हमेशा से ही नॉन प्लांट, ठीक है, फंजाई कभी भी एक प्लांट नहीं होता है. तो आप कभी भी फंजाई और प्लांट को एक में नहीं कर सकते हो. तो फंजाई आर नॉट प्लांट, फंजाई आर नॉन फोटोसिंथेटिक. हमने ऊपर ही बताया जब क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगा, जाहिर सी बात है ना. तो दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक. अभी बताया ऊपर कि यूकेरियोटिक होते हैं, नॉन मोटाइल. सो बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज होते होंगे कि वॉट इज मोटाइल एंड वॉट इज नॉन मोटाइल. तो कन्फ्यूजन दूर करती हूँ कि मोटाइल जो होता है डैट मीन्स कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट इज नेसेसरी, वहाँ पर होता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, बट नॉन मोटाइल में कहीं भी आपको मूवमेंट नहीं दिखाई देगा. ठीक है, वो एक ही जगह पर स्टेबल होंगे. कभी आपने मशरूम जो आप देखते हो, कभी आपने उसे हिलते हुए देखा है कि वो उड़ करके इधर चला गया या फिर वो दौड़ करके कहीं और जा करके ग्रो हो गया कि अरे नहीं मुझे ये जगह नहीं पसंद है, चलो उस अच्छी जगह पे चलते हैं, ऐसा तो नहीं. वो तो हो गया ग्रो, ठीक है, और वहीं पर वो स्टेबल रहता है. तो दे आर नॉन मोटाइल. नाउ मोस्ट ऑफ द फंजाई आर सेप्रोप्स. ठीक है, सेप्रोप्स क्या होते हैं, तो सेप्रोप्स होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिज्म पे क्या होते हैं, डेवलप मतलब उनका ग्रोथ वो लाइव करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म पे. ठीक है, तो जो भी मरे हुए एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो जब वो डेड कर जाते हैं तो उसके ऊपर जब एक ह्यूमस टाइप वो रूप ले लेते हैं तब उसके ऊपर फंजाई क्या करता है, ग्रो करता है. बिकॉज वो बहुत ही फेवरेबल एक मतलब प्लेस होता है फंजाई के ग्रोथ के लिए. सो दे आर सेप्रोप्स. तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि फंजाई आर नॉट प्लांट, फंजाई आर नॉन फोटोसिंथेटिक, फंजाई आर नॉन सॉरी यूकैरियोटिक, फंजाई आर नॉन मोटाइल एंड फंजाई आर सेप्रोप्स. मोस्ट ऑफ द फंजाई, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, एक्सेप्शन तो हर जगह है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें, तो एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप, मैंने अभी बताया कि पहले वो डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट करते हैं, देन उसे एब्जॉर्ब करते हैं उनकी बॉडी, लाइक बॉडी बॉडी को क्या बोलेंगे हम लोग, माइसीलिया. ठीक है, रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल और देयर होस्ट. तो ये लोग क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं, जिससे ऑर्गेनिक मटेरियल
ब्रेक डाउन किसमें, मतलब टूट जाता है और उनकी बॉडी में क्या होता है, स्टोर होता है। अब स्टोर फूड किसके फॉर्म में होगा, ग्लाइकोजन, ठीक है। प्लांट में किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च, ठीक है। तो प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में होता है, एनिमल में मीन्स ह्यूमन बींग में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, तो फंजाई में भी किसके फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना ये चीज़ स्टोर करता है, ठीक है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें तो इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर एंड रिसाइकलर ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एनवायरनमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं, मोस्ट आर मल्टी सेलुलर, कुछ जो होते हैं मतलब कुछ नहीं, बहुत सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं लाइक ईस्ट, ठीक है। फिर लैक ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ, इनमें ट्रू रूट्स नहीं पाए जाते हैं, स्टेम नहीं पाई जाती हैं, लीव नहीं पाई जाती हैं। तो ये आप देख सकते हो, देखो ये है एक पूरा का पूरा फंजाई, देख रहे हो। ये मशरूम, आप लोग जनरली आप सोचोगे कि ये मशरूम है, बट दीज आर फंजाई, ठीक है। नाउ सेल वॉल ऑफ फंजाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेल वॉल देखें, तो सेल वॉल में क्या होता है, देखो सेल वॉल में काइटीन होता है, ठीक है। सेल वॉल में क्या होता है, काइटीन प्रेजेंट होता है, बीटा ग्लूकन्स प्रेजेंट होते हैं, बीटा ग्लूकन्स, एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होती है मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। तो ये पूरा है सेल वॉल का स्ट्रक्चर। सेल वॉल के स्ट्रक्चर में क्या आप देखते हो कि सेल मेम्ब्रेन होती है सबसे ऊपर, सेल मेम्ब्रेन में आपके मेम्ब्रेन प्रोटीन पाई जाती हैं, फिर उसके बाद एक काइटिन की लेयर होती है, देन उसके बाद बीटा ग्लूकन्स होते हैं, ठीक है। ये था पूरा सेल वॉल ऑफ फंजाई। सेल वॉल आर मेड अप ऑफ काइटिन, और काइटिन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड होते हैं। बॉडी इज कॉल्ड थैलस, बॉडी को हम लोग थैलस कहते हैं, बॉडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड थैलस। ग्रोज एज माइक्रोस्कोपिक ट्यूब और फिलामेंट कॉल्ड हाइपी, और कैसे ये ग्रो करते हैं, माइक्रोस्कोपिक ट्यूब और फिलामेंट कॉल्ड हाइपी, ठीक है, हाइपी के फॉर्म में ग्रो करते हैं। फंजाई फीडिंग ऑन नीमाटोड, तो ये देखो, ये आप अगर थोड़ा सा जूम मैं करूँ, मे बी आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर ये फंजाई है जो कि नीमाटोड, आप जानते हो नीमाटोड ऑर्गेनिज्म को, उस पर वो क्या कर रही है, फीड कर रही है, ठीक है। नाउ सम फंजाई आर इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट, तो मैंने आपको बताया ऊपर कि होस्ट की, नहीं बताया सॉरी, बता रही हूँ कि फंजाई को होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, डैट मीन्स दे आर पैरासाइट, कुछ होंगे इंटरनल कुछ होंगे एक्सटर्नल। अ फ्यू फंजाई एक्ट लाइक प्रीडेटर्स और कैप्चर प्रे लाइक राउंड वॉर्म, तो राउंड वॉर्म की तरह कुछ फंजाई क्या करते हैं, अपने खाने को खुद ही पकड़ते हैं, ठीक है। नाउ अब आप देखो, कुछ जो होते हैं फंजाई वो ईडिबल होते हैं, मतलब हम लोग उसे खा लेते हैं, ठीक है, लाइक मशरूम आप खाते हो ना, वो होता है ईडिबल, और कुछ होते हैं मतलब बहुत पॉइजनस होते हैं, लाइक जो आप एक एग्जांपल यहाँ पे देखो पॉइजनस फंजाई का, वो होता है एमेनिटा, ठीक है, एमेनिटा इज द पॉइजनस फंजाई। नाउ सम आर एडिबल व्हाइल अदर आर पॉइजनस, बता दिया मैंने। कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें इसका, और अगर तभी से तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही देख रहे हैं ना, तो और देखें अगर, तो प्रोड्यूस बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्पोर्स, तो फंजाई दोनों ही स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। क्लासिफाइड बाई देयर सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो क्लासिफिकेशन भी हुआ है इनका सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख, आर्थोस्पोर्स, क्लेमाइडोस्पोर्स, स्परंजियो स्पोर्स, केनिडियो स्पोर्स, ब्लास्टो स्पोर्स, तो ये सब जितने भी सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ना, वो सब इसके, यही सब इनके नाम है, डेट इज एंथ्रोस्पोर्स, क्लेमाइडोस्पोर्स, स्परंजियो स्पोर्स, ठीक है। लाइक आगे अब देखें, तो ग्रो ब्रेस्ट इन वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट, तो इनको अगर थोड़ी सी गर्माहट और थोड़ा सा नमी मिल जाए तो वो इनके लिए बेस्ट फेवरेबल होता है इन्वायरमेंट ग्रो करने के लिए। अगर फंजाई की स्टडी की बात करें तो माइकोलॉजी कहते हैं फंजाई के, जो लोग फंजाई के बारे में पढ़ते हैं उन्हें माइकोलॉजिस्ट कहते हैं, और कोई भी दवाई जो फंजाई को मार देती है, मीन्स उनको किल करती है, उसे हम लोग फंगीसाइड्स कहते हैं। तो माइको जो होता है वो क्या है, माइको यूज़ होता है फंजाई के लिए, कहीं भी अगर माइको से रिलेटेड कोई भी वर्ड मिले तो दिस इज डैट मीन्स कि डैट वर्ड इज रिलेटेड टू द फंजाई, ठीक है, तो ये आप याद रखना। नाउ आगे बढ़े, तो आगे ये देखो क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, अगेन बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, तो बिकॉज के इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो होगा ना। पेनिसिलियम पेनिसिलियम पेनिसिलियम, तो फंजाई इंक्लूड पट बॉल्स, ईस्ट, मशरूम्स, टोड स्टूल्स, रस्ट, स्मर्ट, रिंग वॉर्म, मॉल्ट, ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं फंजाई के, तो याद कर लेना आप लोग। और हाँ,
आपको मैं सबसे अच्छी बात बताऊं तो आप क्या करना, इसको मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना। जब आप लिखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद कर लेना। नाउ द एंटीबायोटिक पेनिसिलियम इज मेड अप ऑफ पेनिसिलियम मॉल्ट। अब जो आप जानते हो कि एंटीबायोटिक पेनिसिलियम जो होता है, तो आप बताना मुझे कि पेनिसिलियम किसने सबसे पहले बनाया था। तो जो एंटीबायोटिक पेनिसिलियम होता है वो किससे बनता है, पेनिसिलियम मॉल्ट से। ठीक है, पेनिसिलियम मॉल्ट से। नाउ अगर हम लोग फंजाई के साइज की बात करें, तो फंजाई रेंज फ्रॉम यूनिसेलुलर ईस्ट टू लार्ज पफ बॉल 20 to 60 सेंटीमीटर इन डायमीटर। मतलब आप सोचो, सेंटीमीटर की बात हो रही है बट तो भी ये बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ईस्ट से लेकर के ये 20 to 60 सेंटीमीटर डायमीटर के ये हो सकते हैं। लाइक ये देखो, ये ईस्ट है और ये है जियांट पफ बॉल। ठीक है, इतनी बड़ी भी फंजाई हो सकती है। ठीक, नाउ हाइपी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, हाइपी मैंने आपको अभी बताया ना, भूल तो नहीं रहे हो ना कि हाइपी माइसीलियम क्या होता है। हाइपी मतलब कि हाइपी के टिप से ही फंजाई का क्या होता है, ग्रोथ स्टार्ट होता है, और ग्रुप ऑफ हाइपी को हम लोग माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, तो हाइपी कैसा होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर उसका होता है, ट्यूबुलर शेप का। ये देखो, ये हाइपी आपका। अब मान लो आप ये दो लाइन खींच दिए, फिर इसमें दो लाइन खींच दिए, दिस इज योर हाइफी। ठीक है, और अब इसी पूरे ग्रुप को हम लोग क्या कह देंगे, माइसीलियम। ठीक है, तो ये था आपका हाइपी का ट्यूबुलर शेप। वन कंटिन्यूअस सेल, एक ही कंटिन्यूअस सेल होगा, फिल्ड विद साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो ये आप ये देख रहे हो, ये वाले बीच वाला, दिस इज योर न्यूक्लियस। ठीक है, एंड दिस इज ऑल योर साइटोप्लाज्म। ठीक है, फिर मल्टी न्यूक्लियेट होते हैं। अब यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, मल्टी न्यूक्लियेटेड होंगे। हार्ड सेल वॉल ऑफ काइटिन ऑल्सो इन इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन। तो इसमें जो काइटिन का जो सेल वॉल होता है वो बहुत हार्ड होता है। ठीक है, नाउ स्टोलोन क्या होता है, तो स्टोलोन हॉरिजॉन्टल हाइफी दैट कनेक्ट ग्रुप ऑफ हाइफी टू ईच अदर। तो देखो, एक ऐसी हाइफी जो दूसरी हाइफी से, मतलब एक हाइफी ये हो गई दूसरी हाइफी, इन दो हाइफी को जोन जो हाँ मतलब हाइफी कनेक्ट कर रही है उस हाइफी को हम लोग स्टोलन कहते हैं। ठीक है, नाउ राइजॉइड क्या होता है, तो रूट लाइक पार्ट ऑफ द हाइफी डेट एंकर द फंगस। तो एंकर मतलब होता है सपोर्ट करना। ठीक है, तो ऐसा रूट लाइक मतलब हाइफी जो कि सपोर्ट करता है ऊपर के सभी हाइफी को। ठीक है, तो ये था पूरा स्टोलन और राइजॉइड के बारे में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाइफी क्या होता है, ट्यूबुलर शेप का होता है, वन कंटिन्यूअस सेल होती है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस से भरा होता है, मल्टी न्यूक्लियेट हो सकते हैं, मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे, हार्ड सेल वॉल होती है काइटिन की, स्टोलन पाया जाता है, एक एक हाइफी को दूसरी हाइफी से जो कनेक्ट करता है वो होता है स्टोलन। राइजॉइड क्या होता है, तो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ऊपर के हाइफी को, जो अपर पार्ट होता है हाइफी का, उन सभी को वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। नाउ क्रॉस वॉल्ड कॉल्ड सेप्टा में फॉर्म कंपार्टमेंट। तो हाइफी में बहुत सारे कंपार्टमेंट भी बने रहते हैं। सेप्टा हैव पोर्स फॉर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। सेप्टा इसमें पाए जाते हैं, सेप्टम पाए जाते हैं, तो ये बीच बीच में ऐसी लाइन एक सेप्टम पाई जाएगी, और इस सेप्टम्स में पोर भी होते हैं जिसके वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो आगे की तरफ बढ़ता रहे, मतलब पूरी बॉडी में फैलता रहे। फॉर्म नेटवर्क कॉल्ड माइसीलियम डेट रन थ्रू द थैलस। फिर वही मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा मिल करके हाइफी क्या बना देगा, सेप्टम बना सॉरी माइसीलियम बना देगा। नाउ एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉपस। ठीक है, अब ये पढ़ा देती हूँ कि एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप क्या होता है। फंजाई गेट कार्बन फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्स। तो फंजाई को ऑर्गेनिक सोर्स मतलब जो भी ऑर्गेनिक मैटर वो लेता है उससे क्या मिलता है, कार्बन मिलता है। टिप ऑफ हाइफी रिलीज एंजाइम। जो हाइफी का जो टिप होता है वो एक एंजाइम रिलीज करता है। एंजाइमेटिक ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट प्रोडक्ट डिफ्यूज बैक इंटू हाइफी। तो क्या होता है यहाँ पर, सिंपल सा बात ये है कि देखो, ये है आपके हाइफी का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, एक ये हाइफी है आपका, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बीच में सेप्टम प्रेजेंट है। समझ में आ गया आपको, दिस इज हाइफी। ठीक है, नाउ हाइफी पे आपके टिप पे निकला क्या, एक्सक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो यहाँ पर आपका डाइजेस्टिव एंजाइम निकला। डाइजेस्टिव एंजाइम डिग्रेड सबस्ट्रेट। यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिक मैटर आया, ठीक है, मान लो बाहर से, यहाँ पर मैं दूसरे कलर से आपको बताती हूँ। मान लो कि यहाँ बाहर से यहाँ पर एक डाइजेस्टिव कोई भी एक सबस्ट्रेट आया, ठीक है, कि अब इसको खाना है फंजाई को, तो क्या करेगा, यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, एक्सक्रीशन हुआ किसका, डाइजेस्टिव एंजाइम का। वो आएगा इस सबस्ट्रेट पे, इसको क्या करेगा, डिग्रेड करेगा, तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा। डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाई हाइफी। फिर ये फूड जब टूट जाएगा तो इसको ये एब्जॉर्ब हो जाएगा हाइफी के टिप पे, और फिर यही डाइजेस्टिव एंजाइम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट जो होगा, जो ब्रेक डाउन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो फिर से क्या हो जाएगा, हाइफी में डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो
तो आपको आई होप कि समझ में आ गया कि एंजाइम बाहर निकला, फिर आया बाहर से कोई भी सब्सटेंस आया, उसको एंजाइम ने तोड़ा और फिर वही जो प्रोडक्ट बनेगा ब्रेकडाउन के बाद, फिर हाइफी उसको अपने अंदर क्या कर लेगा, डिफ्यूज कर लेगा। तो दिस इज सिंपल, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ फिर आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर। द प्लांट बॉडी ऑफ फंजाई टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस हाइफी। मैंने बताया आपको कि फंजाई टिपिकली ब्रांच्ड और फिलामेंटस हाइफी से बनी होती है, विच फॉर्म्स अ नेट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड माइसीलियम। और उसी हाइफी के ग्रुप को, मीन्स नेट लाइक स्ट्रक्चर को, हम लोग क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। द हाइफी आर एक्सपेक्ट्स एंड सीनोसाइट्स एज इन फाइकोमाइसिटीज और सेप्टेट और एंड यूनी और बाई और मल्टी न्यूक्लिएट एज इन एसिड एस्कोमाइसिटीज बेसिडोमाइसिटीज एंड यूट्रियोमाइसिटीज। तो हाइफी जो होते हैं वो एसेप्टेट एंड सीनोसाइट हो सकते हैं लाइक फाइकोमाइसिटीज में। जैसे यहाँ पर बोला ये जा रहा है, मैं सिंपल बता दे रही हूँ कि फाइकोमाइसिटीज में जो हाइफी होता है वो एसेप्टेट होता है और सीनोसिटिक होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें एस्कोमाइसिटीज बेसिडोमाइसिटीज एंड यूट्रोमाइसिटीज की, तो उसमें सेप्टेट हो सकता है, मीन्स वो सेप्टेट भी होता है और यूनी बाई मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकता है, ठीक है। ये मतलब पूरा कहने का यहाँ पे था। नाउ लेट्स मूव ऑन द मोडिफिकेशन ऑफ हाइफी इन फंजाई। तो हम लोग अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो हाइफी होता है वो प्रोसेन काइमा में चेंज हो सकता है, स्यूडेन पेरोकाइमा में, मीन स्यूडो पेरन काइमा में चेंज हो सकता है, राइजोमॉफ में चेंज हो सकता है, स्क्लेरोटिया में चेंज हो सकता है, एप्रेसोरियम में चेंज हो सकता है, हॉस्टेरिया में चेंज हो सकता है, एंड स्ट्रोमा में एंड स्नेर्स में, ठीक है। तो ये सब अगर आपको कोई भी ऐसा वर्ड मिले तो उससे आप डरो नहीं, आप जान लो कि ये एक हाइफी का मोडिफिकेशन है। नाउ लेट्स मूव ऑन द रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई, ठीक है। तो अब हम लोग रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मोस्ट फंजाई रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाई स्पोर्स। तो बहुत सारे जो फंजाई होते हैं वो एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली जो स्पोर्स के द्वारा वो रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट कॉमन मैथड एंड प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल मैथड बहुत ही कॉमन मैथड होता है और इससे बहुत ही आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म हमें मिलता है, लाइक मिलता जुलता ऑर्गेनिज्म हमें मिल जाएगा, जैसा पेरेंट होगा वैसा ही ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर फंजाई रिप्रोड्यूस सेक्सुअली व्हेन कंडीशंस आर पुअर एंड न्यूट्रिशन इसके। देखो यहाँ पर स्पोर्स जो होते हैं वो ए सेक्सुअली एंड सेक्सुअली बनता है, ठीक है। इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, बट जो फंजाई होता है वो बहुत ज़्यादा, उसका जो मन होता है ना कि वो कैसा रिप्रोडक्शन करे, तो वो उसका सबसे ज़्यादा मन होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का। बट अगर कंडीशन पुअर है, मतलब नहीं उसको अच्छे से इन्वायरमेंट मिल पा रहा है या नहीं कुछ हो पा रहा है, देन वो प्रिफर करेगा कि मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोलने का मतलब हुआ कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन तभी होता है फंजाई में जब कंडीशंस पुअर होती हैं या फिर किसी न्यूट्रिशन का इसके मतलब कमी पड़ जाती है, ठीक है, वरना फिर ये प्रिफर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेगा। हाइपर ग्रोथ फ्रॉम स्पोर्स। तो माइसीलिया हैव अ ह्यूज सर्फेस एरिया, माइसीलिया के पास बहुत ही ज़्यादा सर्फेस एरिया होता है, मोर सर्फेस एरिया एसिड डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो सॉरी एड्स लिखा है, तो बिकॉज के माइसीलिया के पास बहुत सारा सरफेस एरिया होता है, इसी वजह से जो डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है फूड का वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जर्मिनेटिंग पोर की बात करें तो आप देखो ये छोटा सा पोर है, फिर वो कैसा बढ़ता जा रहा है, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर माइसीलिया पूरा का पूरा, ये मतलब आप देखो यहाँ पर एक था ना हाइफी, फिर इतने सारे हाइफी, फिर ये इतना हाइफी हुआ, फिर ये पूरा का पूरा एक माइसीलिया, ठीक है। नाउ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, बडिंग के द्वारा एंड ए सेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि एक पार्ट होता है माइसीलियम का जो टूट जाता है, मीन सेपरेट हो जाता है, और फिर एक वही एक पूरी एक नई लाइफ साइकिल बना लेता है। तो मे बी अगर इसमें किसी को कन्फ्यूजन हो तो मैं इसे अच्छे से बताती हूँ कि मान लो आप ये एक पूरा पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट है, तो इसमें से क्या होगा, इसमें से एक पार्ट, ये जो इतना पार्ट है ये टूट जाए, ठीक है। तो ये जो टूटा हुआ पार्ट है यही फिर क्या करेगा, पूरी एक नई नई लाइफ बना लेगा, ठीक है। तो ये पूरा एक नया लाइफ बना देगा, तो दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। बडिंग क्या है, तो स्मॉल सेल फॉर्म एंड गेट पिंच्ड ऑफ एट इट्स ग्रो टू फुल साइज यूज बाई ईच, ठीक है। तो बडिंग क्या होता है, बडिंग में मान लो ये फंजाई है, ठीक है, ये एक फंजाई है, तो बडिंग में क्या होगा कि बगल से ही एक ऐसा छोटू सा निकल जाएगा बड टाइप में, ठीक है। फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि वो क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और टूट के दूसरी जगह आ जाएगा,
और जब दूसरी जगह आएगा तो फिर ये ना यहाँ पर एक नया फिर अपना एक लाइफ प्रोसीड कर देगा। ये जनरली में बर्डिंग जो होती है वो ईस्ट पे पाई जाती है, ठीक है, ईस्ट इसका एग्जाम्पल है। नाउ ए सेक्शुअल स्पोर की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ स्पोर बाई अ सिंगल माइसीलियम, तो सिंगल माइसीलियम से जो भी पूरा प्रोडक्शन होता है स्पोर का वो हो जाता है आपका पूरा का पूरा ए सेक्शुअल स्पोर। नाउ टाइप ऑफ ए सेक्शुअल स्पोर की बात करें तो मैंने ऊपर भी आपको बताया था, फिर यहाँ पे भी बता दे रही हूँ कि स्पोरेंजिया स्पोर, तो सिंगल सेल स्पोर्स आर फॉर्म विद इन सैक कॉल्ड स्पोरेंजिया एट द एंड ऑफ द स्पेशल हाइफी, ठीक है, तो उसको हम लोग स्पोरेंजियो फोर कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं। कोनिडियो स्पोर्स लाइक कोनिडिया, तो दिस इज फॉर्म्ड एट द टिप और साइड ऑफ द हाइपी, तो ये हाइपी के साइड में होते हैं, और ये कहाँ होते हैं, ऊपर वाले स्पोरेंजिया कहाँ होते हैं, तो सेल स्पोर आर फॉर्म विद इन द सैक कॉल्ड स्पोरेंजिया एट द एंड ऑफ द स्पेशल हाइपी, ये स्पेशल हाइपी के एंड में पाया जाता है, वो भी स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरेंजिया स्पोर पाए जाएंगे, ठीक है। और कोनिडियो स्पोर और कोनिडिया कहाँ पाया जाएगा, तो वो टिप पे पाया जाएगा। देन एंथ्रोस्पोर क्या होता है या ऑइडिया इसको कहते हैं, तो सिंगल सेल आर फॉर्म बाय द डिसजॉइंटिंग ऑफ हाइपल सेल, डिसजॉइंटिंग जब हाइपल सेल का होता है तो वहाँ पर आर्थोस्पोर या फिर ओइडिया कहते हैं। क्लेमाइडोस्पोर क्या होता है, तो थिक वॉल्ड सिंगल शेल्ड स्पोर्स होते हैं और ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं एडवर्स कंडीशन के, मतलब कितनी भी बुरी कंडीशन ला दो इन्हें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द वेजिटेटिव हाइपी और ये वेजिटेटिव हाइपी से बने होते हैं, ठीक है। नाउ ब्लास्टोस्पोर क्या होता है, तो दीज स्पोर्स आर फॉर्म बाय द बडिंग, मैंने बताया था ना बडिंग ईस्ट में होती है तो वहाँ पर ब्लास्टोस्पोर बनेगा। नाउ एसेक्सुअल, तो एसेक्सुअल स्पोर्स में आपको क्या पढ़ना है, स्पोर्स आर एन एडेप्टेशन टू लाइफ ऑन लैंड, स्पोर एक एडेप्टेशन है एक नई लाइफ को लैंड पर, मतलब एक नई लाइफ जो जमीन पर होती है उसका एक स्पोर क्या है, एडेप्टेशन है। इंस्योर्स दैट द स्पीसीज विल डिस्पर्स टू न्यू लोकेशन, अब एक स्पोर है तो वो उड़ करके कहीं भी जा सकता है, इस लोकेशन से इस लोकेशन पर भी जा सकता है, तो इसी वजह से जो स्पोर्स होता है वो बहुत ही एक अच्छा है, मतलब इंस्योर करता है स्पीसीज को मतलब अलग अलग लोकेशन पर जा करके क्या करने का, ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, वो बहुत मीन्स उसका साथ देता है, एक हेल्पफुल होता है कि वो कहीं भी किसी भी लोकेशन पे जा करके वो ग्रो कर सकता है। ईच स्पोर कंटेनर रिप्रोडक्टिव शेल दैट फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म, एक स्पोर पूरा का पूरा लाइफ एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। स्पोर जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, नॉन मोटाइल होते हैं बट वो उड़ सकते हैं। अब वो उड़ेंगे कैसे, तो विंड से उड़ सकते हैं, ठीक है, तो डिस्पर्स बाय विंड, या फिर मान लो कि कोई स्पोर है, कोई चिड़िया आकर के बैठ गई, उसके पैर पे लग गया, फिर वो दूसरी जगह चली गई, तो इस तरह भी स्पोर्स होते हैं, ये सब आप पढ़ते हो पॉलिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर फंजाई में मेन टाइप जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो जो स्पोर होता है वो जनरली डिस्पर्स बाय विंड, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो इसको आप लोग मत भूलना और ये याद रखना कि विंड के द्वारा ही डिस्पर्स होता है, ठीक है। नाउ जो स्पोर होते हैं, स्पोर में भी फॉर्म्ड डायरेक्टली ऑन हाइफी इनसाइड द स्पोरेंजिया ऑन फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, तो स्पोर्स कहाँ होते हैं, मे बी फॉर्म, स्पोर बन सकते हैं हाइपी पे डायरेक्टली स्पोरेंजिया के अंदर भी या फिर ऑन फ्रूटिंग बॉडी भी, ठीक है, ये था मतलब स्पोर के बनने का तरीका। एसेक्सुअल स्पोर फिर मतलब आगे क्या है, इसमें क्या पढ़ना है, तो फ्रूटिंग बॉडीज आर मॉडिफाइड हाइफी डैट मेक एसेक्सुअल स्पोर, तो फ्रूटिंग बॉडीज आर मॉडिफाइड हाइफी, तो फ्रूटिंग बॉडीज जो होता है वो एक मॉडिफाइड हाइफी होते हैं और वही एसेक्सुअल स्पोर्स को बनाते हैं। एंड अपराइट स्टॉक कॉल्ड स्पोरेंजियम स्पोर सपोर्ट द स्पोर और स्पोरेंजियम, तो देखो मैं आपको बताती हूँ, ये है पूरा का पूरा इसका क्या है, हाइफी है ना, ये हाइफी है पूरा, ये राइजॉइड है, और ये जो ऊपर आप देख रहे हो ना यही है स्पोरेंजियो स्पोर, और इसी में क्या होगा, स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया क्या है, एक स्पोर है, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर ये रहा आपका पूरा का पूरा, ये कोनिडिया है, ठीक है, कोनिडियोस्पोर, ठीक है, एरियल हाइफी, सबस्टेट हाइफी, सबस्टेट हाइफी क्या बोलते हैं, जो नीचे ऐसे रेंगता हुआ चीज़ जो होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीपिंग बोलते हैं ना, तो वैसे वो है सबस्टेट हाइफी, ये है एरियल हाइफी, दिस इज कोनिडियो फोर और दिस इज कोनिडिया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब हम लोग आगे ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बहुत ज़्यादा है नीचे, तो इस वीडियो मतलब ये वीडियो और लंबी ना करते हुए मैं इसको क्या करूँगी, आगे एक और इसका पार्ट बना दूँगी, तो वो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और क्या ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर बताना। और हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा बीच में रुक रही थी क्योंकि मैंने ये मतलब तुरंत ये खोला है नोट्स और तुरंत ही मैं इसे पढ़ाने बैठ गई हूँ, मैंने एक बार भी इसे देखा नहीं था,
तो अब मैं जब आगे पढ़ाऊंगी तो एक बार मैं इसे एक बार देख लूंगी, जिससे कि मैं आप लोग को जल्दी जल्दी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।